समाचार 24 पर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस गैंग रेप और हत्या के मामले में हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, तो वो आज की सुनवाई और पूरी हो गई और उसके बाद जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है कि यूपी सरकार के कार्यप्रणाली से हाईकोर्ट बेहद नाराज है और हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को भी फटकार लगाई गई है। तो कोर्ट कई बिंदुओं पर सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज था। कोर्ट ने सवाल उठाया कि रात में उस बेटी का शव क्यों जलाया गया। इसके जवाब में जब राज्य सरकार की तरफ से वकीलों ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि शव खराब हो जाता, इसीलिए शव को अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने जब यह सुना तो उसके बाद जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई है और उस फटकार में साफ संदेश दिया गया है कि रात को अंतिम संस्कार किया गया, उससे हाईकोर्ट बेहद कफा नजर आया और सरकार की कोई भी दलील कोर्ट सुनने को तैयार नहीं था। बिना मंजूरी के शव जलाने पर कोर्ट बेहद खफा नजर आया और राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के रवैये पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने डीजीपी व अपर मुख्य सचिव गृह को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट में उपस्थित थे आला अधिकारी एडीजी एलोक के भी वहां फटकार लगाई गई है। इन सभी अधिकारियों को कोर्ट ने नाम लेकर फटकार लगाई है, एक एक अफसर का नाम लिया गया और उसके बाद फटकार लगाई गई है। तो बेहद बड़ी खबर जिसकी हम लोगों लगातार चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जो ये पहले से ही लग रहा था कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सरकार के रवैये से नाराज था और आज 12 अक्टूबर को इस पर सुनवाई की गई है। और क्योंकि पीड़ितों ने कहा था कि केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किया जाए, इस पर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि अब 2 नवंबर को सरकार का अंतिम पक्ष जानेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो सरकार जवाब तक हाईकोर्ट में नहीं दे पाई और इस पर हाईकोर्ट बेहद नाराज नजर आया और तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से लगातार की जा रही है कि बिना मंजूरी के सबको आखिर क्यों जलाया गया और क्यों उस परिवार को बंधक रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि क्योंकि क्यों वहां पर पत्रकारों को रोका गया और मीडिया कवरेज को वहां बैन किया गया, ऐसा क्या था जिसको प्रशासन 3 से 4 दिन तक छुपाता रहा। और जब हाईकोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया तो उसके बाद चीजें बदली। सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है, लेकिन कोर्ट फिर भी सरकार की किसी दलील से सहमत नजर नहीं आया और पहली सुनवाई में सरकार के सारे दावे कोर्ट में ध्वस्त होते नजर आए और कोर्ट ने जंगल राज कहते हुए सरकार को फटकार लगाई है। डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को भी फटकार लगाई गई और अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी, क्योंकि सरकार ने कुछ और तथ्य सामने रखने के लिए थोड़ा समय मांगा तो उसके बाद कोर्ट ने 2 नवंबर का समय दिया। यानी ये माना जाए कि इस पूरे प्रकरण पर अब 2 नवंबर को यानी अगली तारीख पर फैसला संभवतः आ सकता है। तो पीड़ित परिवार की जो मांगें थी उसको जायज ठहराया गया है हाईकोर्ट के द्वारा और पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों के कोर्ट में मजिस्ट्रेट्स के सामने बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हाथरस गैंग रेप केस अब योगी सरकार के गले की फांस कोर्ट में भी बनता जा रहा है और हाई कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार कितना अपने रुख में बदलाव करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि लड़की का रेप नहीं हुआ है तो हाई कोर्ट ने और ज्यादा फटकार राज्य सरकार के उन अफसरों को लगाई जो कोर्ट में खड़े हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस तरीके से हाथरस केस पर अब हाईकोर्ट बेहद नाराज है और 2 नवंबर को अगली सुनवाई की डेट दी गई है। तो उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या इस केस को उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर किया जाए या उत्तर प्रदेश में ही इसकी सुनवाई हो। तो सरकार के रवैये से फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है, हाईकोर्ट बेहद नाराज है। तो इस बड़ी खबर पर आपको बड़ी अपडेट हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं कि इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह सुनवाई की और पूरी बेंच में जो लोग बैठे हुए थे न्यायमूर्ति, वो सरकार के रवैये से बेहद खफा नजर आए।